आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बीते दिवस सहारनपुर के देवबंद में कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला किया, जिसके बाद आज आजाद समाज पार्टी रीवा जिला के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई किए जाने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान चक्काजाम भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीम आर्मी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले की आशंका पूर्व में भी व्यक्त की गई थी, जिसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया था। साथ ही सहारनपुर एसएसपी व डीजीपी पुलिस लखनऊ यूपी के मुख्यमंत्री को रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया था। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा पुख्ता करें। बताइए आज ये किन मांगों को लेकर के आप लोग के द्वारा मार्च गया है? कल 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के देव आर्मी के मुखिया और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर गोली मारी गई है, जिसमें उनके कमर को छूकर गोली निकली है। और इस घटना को जो करने वाले हैं, अंजाम देने वाले लोग हैं, वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और हरियाणा की गाड़ी भी थी, उसका नंबर भी निकल गया है। अब हम लोग ये मांग करते हैं यहाँ पे कि उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाए। साथ ही बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की जाए, क्योंकि इस देश में कलाकारों को, कथावाचकों को वाई प्लस की सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है, लेकिन जो व्यक्ति बहुजन समाज के, दलितों के, किसानों के, बहन बेटियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसे जेड प्लस की सिक्योरिटी नहीं मिली। और जबकि लगातार उनके ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, अगर उनको जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो इसके बाद अगर उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, योगी सरकार होगी, और उसका तख्ता पलट करने की जिम्मेदारी भीम आर्मी लेगी। आज किसके नाम ज्ञापन सौंपा? ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम पे आए हैं और कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जाएगा। पंकज चौधरी, प्रदेश सह संयोजक भीम आर्मी। चंद्रशेखर जी के ऊपर घटना निश्चित ही कारणा हरकत है, इसका पूरा देश विरोध कर रहा है। उसके दर्ज में भी आज एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया है और जिस प्रकार आप देख रहे हैं नाचने वाले, गाने वाले कथावाचकों को सुरक्षा दी जाती है। जो हमारे SC ST OBC के लिए संघर्ष करते हैं, दिन रात एक किए हैं, ऐसे लोगों को जिस प्रकार कुचलने, दबाव को कुचलने के लिए, आंदोलन कुचलने के लिए ऐसी हरकतें की जाती है, इसका कृत्य का हम विरोध करते हैं। अभी तो मैं प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहा हूं, अगर जिस प्रकार हमारी सुरक्षा नहीं मिली, हमारे जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, हम लोग रीवा जाम करने का भी काम करेंगे और जिसका ये पूरे देश में विरोध होगा। क्या मानते इसके पीछे साजिश की? निश्चित साजिश है, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार चंद्रशेखर जी ने पूरे देश में आवाज़ बनी है, पूरा विश्व उनको मानता था, जिस प्रकार कुछ लोग हैं जो असमाज तथ्य बोलेंगे, उनसे जल मतलब एक कहने का कठिन मानसिकता कारण उनके ऊपर हमला किया है, इसका हम विरोध करें। पूरा देश SC ST के लोग आक्रोशित हैं और इस आक्रोश को मैं कहना चाहता हूं खासकर मोदी सरकार को, ऐसा ना हो कि मोदी सरकार तख्ता पलट देगी। ये ध्यान रखिएगा, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आज इस माध्यम से।